रियलिटी शो बिग बॉस में कंटेस्टेंट के बीच नोकझोंक बढ़ती हुई दिख रही है और सभी अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए लगे हुए हैं। कभी कंटेस्टेंट एक दूसरे का साथ देते हैं तो कभी किसी की ना सुनकर सिर्फ अपनी मर्जी से डिसीजन ले लेते हैं। 3 अक्टूबर के एपिसोड में टास्क को पूरा किया गया और इस बार टीम बी ने हॉस्पिटल वाला टास्क पूरा कर जीत हासिल की। इसी के साथ इनकी टीम को एक पावर मिली। इसमें टीम को आपसी सहमति से कंटेस्टेंट को चुनना था जिसे क्वीन बनाया जाता। इसके लिए शेफाली को छोड़कर सभी ने देवोलीना का नाम लिया। सबका कहना था कि देवोलीना ने टास्क में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, लेकिन शेफाली बग्गा ने अपना नाम लिया जिसकी वजह से एक डिसीजन पर ना पहुंच पाने की वजह से घर की पहली क्वीन बनने का देवोलीना का सपना अधूरा रह गया। इसी को लेकर देवोलीना और शेफाली के बीच घमासान भी हुआ। दोनों के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि आरती सिंह को आकर बीच बचाव करना पड़ा। सभी लोगों ने देवोलीना को क्वीन बनाने का फैसला लिया था, लेकिन शेफाली बग्गा इस फैसले पर सहमत नहीं हुई। आपसी सहमति न बन पाने के कारण बिग बॉस ने टास्क को रद्द कर दिया जिससे कोई भी क्वीन नहीं बन पाया और गुस्से में देवोलीना ने शेफाली को चालाक लोमड़ी भी कह डाला। घर वालों ने बीच बचाव कर दोनों को शांत किया। वहीं दूसरी ओर आज के एपिसोड में रिपोर्ट कार्ड भी जारी होने वाला है जिसमें लड़कियां लड़कों के बारे में रिपोर्ट कार्ड देंगी कि किस लड़की का व्यवहार कैसा रहा। इसका एक प्रोमो भी कलर्स के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर हुआ है जिसके कैप्शन में लिखा है, निकलने वाला है बिग बॉस का पहला रिपोर्ट कार्ड, लड़कियां करेंगी किस लड़के को पास और किसे फेल। वहीं बिग बॉस भी इस हफ्ते सभी कंटेस्टेंट को सरप्राइज देने वाले हैं क्योंकि अभी नॉमिनेशन में 5 लड़कियों के नाम हैं, लेकिन पहले हफ्ते में किसी को भी एलिमिनेट नहीं किया जाएगा क्योंकि पिछले सीजन में भी यही देखा गया है कि पहले हफ्ते में कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। और घर की मालकिन अब शो में क्या ट्विस्ट लाने वाली है वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।